नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है क्विट योर जॉब फॉर योर ड्रीम बिजनेस। हाँ जी, आपने सही सुना, क्विट योर जॉब फॉर योर ड्रीम बिजनेस, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। बहुत से लोग अपनी नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के सपने देखते हैं, पर क्या ये इतना आसान है? आइए चलिए इस पे डिटेल में बात करते हैं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक बताएंगे कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का सही सही होना इन सारे विषयों में कैसे संभव हो सकता है। तो सबसे पहले हम चुनेंगे एक टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है सपना और हकीकत में फ़र्क, सपने और हकीकत में फ़र्क। तो चलिए दोस्तों, सपना और हकीकत के फ़र्क को हम एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के तराजू में तोलते हैं। सो एक्सपेक्टेशन में हमने क्या चुना है? हमने चुना है फ्रीडम, हमने चुना है वेल्थ और पैशन। फ्रीडम में क्या होता है? लोगों को लगता है कि अपना बिजनेस शुरू करने के बाद उनके पास पूरा कंट्रोल होगा पूरे बिजनेस का और वो अपने टाइम के मालिक होंगे। जब चाहे शुरू करेंगे, जब चाहे बंद करेंगे, उनका आना जाना ऑफिस में सब कुछ उन पर डिपेंड करेगा। ये होगी उनकी एक्सपेक्टेशन। दूसरी एक्सपेक्टेशन है वेल्थ, यानी पैसा, ज़्यादा पैसा कमाने का सपना जो है सबके मन में होता है, तो जिससे वो अपने बिजनेस के द्वारा पूरा कर सकते हैं। तीसरा पैशन है, तीसरा एक्सपेक्टेशन है पैशन। अपने शौक को अपना करियर बनाने में अलग ही मज़ा है। तो ये एक और एक मज़ा है कि पैशन की अगर जिसको चाहें उसको अगर काम करें तो अलग ही मज़ा है। तो ये तीन एक्सपेक्टेशन है फ्रीडम, वेल्थ और पैशन के अंडर में। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं रियलिटी। ये तो हमने सुना अभी एक्सपेक्टेशन, अभी हम जानते हैं रियलिटी। हार्ड वर्क, फाइनेंशियल रिस्क और स्ट्रेस। हार्ड वर्क में क्या है? अपना बिजनेस शुरू करने के बाद आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। सो दैट्स ये आता है हार्ड वर्क में। दूसरा आता है फाइनेंशियल रिस्क। नया बिजनेस शुरू करने में काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है और वो हमेशा प्रॉफिट जनरेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। स्ट्रेस, आपको सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है, जो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो ये होगी रियलिटी, हार्ड वर्क, फाइनेंशियल रिस्क और स्ट्रेस, आपके रियलिटी। सो जनाब, नौकरी छोड़कर बिजनेस करने का फैसला आपने कर लिया है, तो चलिए अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अगला पड़ाव ये है पहला कदम, ये है पहला कदम, द फर्स्ट स्टेप। और सबसे पहला स्टेप क्या है इसका? प्लान बनाइए। सो प्लान बनाइए जनाब। सो प्लान बनाइए को भी हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के तराजू में फिर तोला है। एक्सपेक्टेशन में क्या आता है? एक्सपेक्टेशन में आता है आपका बिजनेस आइडिया और क्विक स्टार्ट। बिजनेस आइडिया एक यूनिक और इनोवेटिव आइडिया होने से आप आसानी से सक्सेस पा सकते हैं। ये है बिजनेस आइडिया। आपके पास अच्छे बिजनेस आइडिया का होना बहुत ज़रूरी है। क्विक स्टार्ट, ओके, जल्दी से प्लानिंग करते हुए, प्लानिंग करने के बाद जल्दी से जल्दी अपना बिजनेस स्टार्ट करने आपको बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए जल्दी से जल्दी। सो इट्स अ क्विक स्टार्ट ऑफ योर बिजनेस। तो चलिए अब रियलिटी पे आते हैं। रियलिटी को हम दो भागों में बांटेंगे, रिसर्च और प्लानिंग, और दूसरा आता है टाइम और पेशेंस। रिसर्च और प्लानिंग में आता है आपका मार्केट रिसर्च का स्टडी करना, आपके आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं या प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं मार्केट में, उसकी कंपेरेटर की एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और आपका बिजनेस प्लान बहुत ज़रूरी है पूरा बनाना। तो ये हो गई रिसर्च और प्लानिंग। दूसरी भाग जो हम लोग बांटते हैं, रियलिटी का पार्ट है, वो है टाइम एंड पेशेंस। बिजनेस शुरू करने में वक्त लगता है जनाब, और पेशेंस लगता है, तो ठंड रखिए और पेशेंस रखिए बहुत सारा, और तभी तो आप आगे बिजनेस को लेके जाएंगे, बट ये है रियलिटी। और तीसरा भाग आता है दोस्तों, वो है फाइनेंस, मतलब पैसा कैसे लगेगा, पैसा कैसे लगेगा। तो जनाब, एक्सपेक्टेशन क्या रहेंगी आपकी? सेल्फ फंडिंग, अपनी सेविंग बहुत है, चलिए यूज़ कर लेते हैं, सेविंग को यूज़ करके एक बिजनेस शुरू कर लेते हैं। दूसरा होगा इजी लोन, बैंक से इजीली लोन मिलता है, बैंक से लोन ले लेंगे। तो ये होगी एक्सपेक्टेशन फाइनेंस की, जो कि पैसा कहाँ से लगेगा। चलिए अब आते हैं कुछ रियलिटी पे। सो सबसे पहले तो आपने कहा था आप बैंक से लोन उठा लेंगे। अब रियलिटी में आते हैं, बैंक से लोन मिलना इतना इतना आसान नहीं है जनाब। आपको कोलेटरल भी देना पड़ता है, आपको कुछ किसी इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी को दांव में रख के उसके अगेंस्ट में आप लोन उठा सकते हैं, या तो गोल्ड के अगेंस्ट में आप लोन उठा सकते हैं, तो ये आपका कोलेटरल हो गया। इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट का सोर्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। फंडिंग ऑप्शंस, एंजल इन्वेस्टर्स,
वेंचर कैपिटल या क्राउड फंडिंग, ये ऑप्शंस एक आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। तो इसके अलावा लोन चैलेंजेस तो मैंने आपको बताया, जो बैंक इतनी आसानी से लोन नहीं देंगे। दोस्तों चौथा सबसे बड़ा फैक्टर आपके सामने बिजनेस शुरुआत करने में रहेगा, स्किल्स और नॉलेज का होना। तो इसमें हम एक्सपेक्टेशन और रियलिटी दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन में क्या रहेगा, सब कुछ करते करते सीख लेंगे। मतलब आप बिजनेस तो कर ही रहे हैं, जैसे जैसे बिजनेस चलेगा वैसे वैसे हम सीख ही लेंगे। दूसरी आपके पास आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी एग्जिस्टिंग स्किल्स में, अपनी करंट जॉब की स्किल है उसी में ही जॉब उसी में ही काम कर लेंगे, जो अभी कर रहे हैं काम वही काम आगे जॉब में भी कर लेंगे, अपनी बिजनेस में भी कर लेंगे। सो ये होगी हमारे पास एक्सपेक्टेशन। अब इसमें रियलिटी में आते हैं, रियलिटी में क्या आता है, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, मार्केट के डायनेमिक्स बदलते रहते हैं, उन सभी के अकॉर्डिंग अपने आप को कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा आपको। ये होगी रियलिटी बिजनेस की। और उसके बाद आता है सबसे बड़ा फैक्टर, वो है न्यू स्किल्स, नए स्किल्स का होना। यानी बिजनेस चलाने के लिए आपको खाली बिजनेस ही नहीं, आपको खाली वो प्रोसेस ही नहीं समझना पड़ेगा, आपको ये भी समझना पड़ेगा अकाउंटिंग, आपको समझना पड़ेगा मार्केटिंग, आपको समझना पड़ेगा सेल्स और एचआर, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। चलिए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं और इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या फर्क पड़ सकता है हमारे बिजनेस में। चलिए ये वीडियो देखते हैं। जब खून पसीना एक साथ कागज पर छपता है ना, टेबल बेड बन जाती है और ऑफिस घर, भूख प्यास भूल जाती है, बाल बच्चे रुल जाते हैं, तब जाके सलीक कंपनी बनती है। सो दोस्तों पांचवा सबसे बड़ा फैक्टर आपके बिजनेस शुरू करने में रहेगा, वो है टाइम मैनेजमेंट। चलिए इस टाइम मैनेजमेंट को एक एक्सपेक्टेशन और रियलिटी चेक देते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी आपकी टाइम मैनेजमेंट में, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल रहेगा, अपना ही बिजनेस है और अपने बिजनेस में अपने टाइम के माप मालिक रहेंगे, ये आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी। आपके पास फैमिली और पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा समय होगा, बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, ये आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी आपके बिजनेस से। तो चलिए रियलिटी सुनते हैं, क्या ये रहेगा जो एक्सपेक्टेशन में हमने सुना है? नहीं जनाब, ये नहीं होगा। लॉन्ग आवर्स रहेंगे, इनिशियल फेज में बिजनेस को सेटअप करने में सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, जिसमें आपको टाइम की कोई सीमा नहीं रहेगी। आप 9 घंटा काम करते थे अपने जॉब लाइफ में, यहाँ पे 11 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा, सारा सारा दिन आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप इससे पहले हम क्या देखा था, हमने देखा था कि ये सारी सारी खाली आपको प्रोसेस समझना नहीं है, प्रोसेस के अलावा भी आपके अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर जैसी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी शुरू शुरू में। तो आपको बहुत सारे लॉन्ग आवर्स देने पड़ेंगे। वर्क लाइफ बैलेंस, बिजनेस और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ इतना आसान नहीं है रियलिटी चेक में। सो छठा सबसे बड़ा फैक्टर आपके सामने रहेगा, वो है चैलेंजेस और फेलियर्स के। चैलेंजेस और फेलियर्स, एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, सब कुछ प्लान के हिसाब से चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ प्लान के हिसाब से चलेगा, इस बार कुछ नहीं खराब हो सकता हमारे साथ। इंस्टेंट सक्सेस, जल्दी से सक्सेस मिल जाएगा, तो ये होगी इंस्टेंट सक्सेस, ये होगी आपकी एक्सपेक्टेशन बिजनेस को लेके। जबकि रियलिटी चेक देते हैं, रियलिटी में चैलेंजेस क्या आएंगे आपके सामने, आपके सामने आएंगे मार्केट कॉम्पिटिशन, आपके सामने आएंगे चैलेंजेस फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, क्लाइंट एक्विजिशन जैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो ये सारे चैलेंजेस में आते हैं। उसके बाद आता है फेलियर, कभी कभी फेलियर का सामना भी करना पड़ता है और उसे सीखकर आगे बढ़ना पड़ता है ताकि आप बिजनेस कंटिन्यूटी दे सकें इन फ्यूचर। तो दोस्तों सातवां सबसे बड़ा फैक्टर ये रहेगा आपके सपोर्ट सिस्टम का होना। इसमें एक्सपेक्टेशन क्या रहती है आपकी, सब कुछ खुद ही मैनेज कर लेंगे, बहुत कम सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी हमें बिजनेस को आगे लेके जाने में, ये होगी आपकी एक्सपेक्टेशन। चलिए रियलिटी को देखते हैं, रियलिटी में क्या क्या चाहिए होगी आपको। सबसे पहले आपको एक सबसे अच्छी टीम बनानी बहुत ज़रूरी है, एक टीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बिजनेस के सक्सेस के लिए। दूसरा रहेगा मेंटरशिप, एक्सपीरियंस मेंटर्स का गाइडेंस आपके बिजनेस ग्रोथ में बहुत मददगार साबित रहेगा। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है रियलिटी में, वो है आपका फैमिली सपोर्ट। फैमिली का सपोर्ट आपके बिजनेस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गाइस ये हैं आपकी रियलिटी बिजनेस में जो कि आएगी सपोर्ट सिस्टम में। आठवां सबसे बड़ा
फैक्टर आपका रहेगा बिजनेस की सक्सेस में, वो है कस्टमर और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, यार कस्टमर्स तो आराम से मिल जाएंगे, प्रोडक्ट्स जल्दी से, प्रोडक्ट जल्दी से पॉपुलर हो जाएगा प्रोडक्ट्स मेरा, तो ये होगी आपकी एक्सपेक्टेशन। जो आपकी रियलिटी होगी एकदम विपरीत रहेगी। रियलिटी में क्या क्या चाहिए, क्या फेस करेंगे आप, रियलिटी में चाहिए आपको कस्टमर रिसर्च, कस्टमर की नीड्स और उनके प्रेफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। आपकी इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जो कि ब्रांडिंग पे फोकस करे। कस्टमर सर्विस, सबसे एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस का प्रोवाइड करना जरूरी है आपके बिजनेस की सक्सेस। दोस्तों, अपना बिजनेस शुरू करना और अपनी नौकरी छोड़ना एक बड़ा फैसला होता है। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत फर्क है, लेकिन अगर आप मेहनत, डेडिकेशन और प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। हमेशा रियलिस्टिक गोल सेट करें, अपने सपने को पूरा करने का जुनून रखें और चैलेंजेस का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहें। अपने एक्सपीरियंसेस और फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड गाइस। Bye-bye.